दिखाओ यार कुछ मैडम मैडम दिल्ली एनसीआर में पहली बार इतने हर्षोल्लास के साथ में सूर्य दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जब तक हम इतिहास की एक एक घटनाएं जो कि एक हमारे सामने मिसाल बनी है, जब तक वो दिल्ली में नहीं जो है गूंजेंगी, तब तक देश की राजधानी जो है उन इतिहास को जो है दबा नहीं पाएगी। अगर आज शौर्य दिवस जो है मनाया गया है पूरी दिल्ली में, अगर इसी तरीके के कार्यक्रम होते तो भीमा कोरेगांव का वो कांड जो है मनुवादियों को याद आता और वो जो है डरता, वो कांपता कि अगर 500 जो है महार किस तरीके से पेशवाओं को जो कि सारे देश में जो है जिनका कब्जा था आधुनिक जो है तो उनके पास हथियार थे, उसके बावजूद भी 500 महारों ने किस तरीके से उनको जो है पतन किया, ये अगर गाथाएं हम इतिहास में स्कूलों में यूनिवर्सिटी में बताएं तो हमारे बच्चे भी जो है शूरवीर बने और वो कभी भी दबे ना, वो कभी भी डरे ना और उन्हें कोई भी जो है गुलाम बना ना पाए, अगर ये सारे सिलेबस में जो है आते रहेंगे। मैडम ये तो आप कह रही हैं कि शौर्य की गाथाएं हैं, लेकिन सरकार की मंशा है कि इस तरह की गाथाएं लोगों तक पहुंच ही ना पाए। इस बार भी महाराष्ट्र के अंदर जिससे कि लोग ना जा पाए बसों की हड़ताल करवा दी गई है, लोग 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगे हैं और वापस भी घर पता नहीं कैसे पहुँचेंगे अपने। देखिए वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास वोट बैंक तो है नहीं। वोट बैंक जो है किसके पास है? वोट बैंक बहुजनों के पास है और बहुजनों की आवाज अगर सारे टीवी जो है घरों में लगे हुए हैं, अगर बहुजनों की आवाज टीवी तक पहुंच गई तो इनकी सत्ता डगमगा जाएगी। इनकी मीडिया ब्यूरोक्रेसी और इनका जो है यूनिवर्सिटी पे कब्जा, इनका स्कूल पे कब्जा, इनका जो है एयरपोर्ट पे कब्जा, इनका जो है मंत्रालयों पे कब्जा, तो ये सारा कब्जा जो है हट जाएगा और मूल निवासी यहाँ पर दोबारा से शासक हो जाएगा। तो इसीलिए ये इनकी मजबूरी है कि इनको जो है बहुजनों का कोई भी जो इतिहास है वो छुपाना पड़ेगा, वो दबाना पड़ेगा, चाहे वो गौतम बौद्ध विहार हो और चाहे वो नालंदा तक्षशिला हो। इन्हें आरोप लगा रही है पर ये लोग हैं कौन? देखिए ये 3% जो है, 3% जो है मनुवादी और उसके साथ पूंजीवादी, ये इस देश पर जो है कब्जा करे बैठे हुए हैं। विवेक बिंद्रा की आपने बाइट सुनी होगी, उस विवेक बिंद्रा ने 4 वर्ण व्यवस्था अपने आप, हम नहीं कह रहे, एक मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है। वो तो अपने वक्तव्यों में कई बार बाबा साहब के बारे में अच्छी बातें बता चुके हैं। देखिए मैं क्या कह रही हूँ आपको कि जो उसने वर्ण व्यवस्था बताई है और जो बाबा साहब ने भी वर्ण व्यवस्था बताई है उससे वो मैच खा रही है। वो बाबा साहब की एक बात के लिए तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था और जो कहते बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना तो मेरी मजबूरी थी लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, मैं बौद्ध धर्म को जो है अपनाऊंगा, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो अगर विवेक बिंद्रा उसकी तारीफ करे तो हम माने भी, तो वो सिर्फ जो है थोड़ा बहुत नाम लेना बाबा साहब का इनका मजबूरी है क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और उनके ऊपर भी ये कानून लागू होता है, तो ये विवेक बिंद्रा को छोटी मोटी बात तो बोलनी पड़ती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला, हरिचंद ठाकुर,
ज्ञान दीत, छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।